जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में मेरे शब्द उन छात्रों के लिए जिन्हें कोरोना काल में NEET और JEE की परीक्षा या नीट और JEE की परीक्षा देने पर मजबूर किया जा रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं सामान्य ज्ञान के, और ये चार सवाल हैं, इस पे गौर कीजिएगा। पहला सवाल, एग्जाम वॉरियर्स नाम की किताब किसने लिखी? सवाल नंबर दो, सरकारी माध्यमों का इस्तेमाल करके कौन शख्स मन की बात कर सकता है? सवाल नंबर तीन, इस देश का सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? और सवाल नंबर चार, इस देश का सबसे बेहतरीन स्पीकर यानी वक्ता कौन है? जी हां, इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक है और वो है ये शख्स यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर आपने मेरे इन सवालों में पहले दो सवालों पर गौर किया होगा। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, न जाने ऐसे कितने माध्यम हैं जिनके जरिए वो इन परीक्षार्थियों से बात कर सकते हैं, उन्हें संबोधित कर सकते हैं। मगर जिस शख्स ने एग्जाम वॉरियर्स लिखा, अब तक उन्होंने नीट या JEE परीक्षा में जो है आने वाले या उन परीक्षाओं को देने वाले छात्रों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और यह सवाल इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि कोरोना संकट में सितंबर के महीने में JEE और NEET की परीक्षाएं होने वाली हैं, क्योंकि सरकार हमसे लगातार कह रही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। मगर एक परीक्षा केंद्र के अंदर किस तरह से इतने ज्यादा बच्चे भरेंगे और क्या इसके जरिए कोरोना की महामारी का खतरा पैदा नहीं होता, इन तमाम सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। आने वाले सालों में बेरोजगारी कम करने के लिए जॉब लेने वालों को ही मार दो, बेरोजगारी ही नहीं बचेगी, सबसे बढ़िया तरीका गवर्नमेंट का है। सबसे दुख की बात यहां पर यह है कि कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि चूंकि ये छात्र जो हैं वो 16, 17, 18, 19 साल के हैं, लिहाजा इन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा। मगर आप भी जानते हैं कि इनमें से कुछ लोग एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स हो सकते हैं और फिर ये बीमारी अपने घर ला सकते हैं और घर में उनके जरिए उनके बुजुर्ग नाना नानी या दादा दादी को भी हो सकता है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? दुख की बात यह है कि इन परीक्षार्थियों के बारे में सरकार की तरफ से बयानात बिल्कुल ना के बराबर हैं और कई मायनों में तो बयानों के जरिए उनका मजाक बनाया जा रहा है। आज शो में न सिर्फ मैं उन विद्यार्थियों की आवाज आप तक पहुंचाने वाला हूं बल्कि मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताने वाला हूं कि किस तरह से उनके लिए परीक्षा देना बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले देखिए हमारे महान शिक्षा मंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं। अमिड्स कोरोना वायरस आउटब्रेक, से नो टू हग्स, हैंडशेक्स, हाई फाइव्स, लेट अस ग्रीट ईच अदर विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक्सचेंज स्माइल्स, बाउ डाउन और सिंपली से नमस्ते। उनका जो ये ट्वीट है ना दोस्तों, वो युवा पर ही केंद्रित है। एक दूसरे को गले ना मिलें, हाई फाई ना मारें, हाथ ना मिलाएं। अब एक तरफ तो शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना काल में नीट और JEE की परीक्षा सितंबर के महीने में हो रहे हैं और क्या कोरोना को लेकर ग्राफ नीचे जा रहा है? लगातार जो आंकड़ा है वो ब्राजील के पास पहुंच गया और हो सकता है कि अक्टूबर महीने तक वो अमरीका तक को पार कर जाए। क्या ये तमाम सवालों से आप अपना ध्यान भटका सकते हैं? मैं चार्ट मिनिस्टर जी से ये कहना चाहती हूँ कि सर, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि सर आप क्यों हम लोग को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। सर हम मोर देन 15 डेज से कंटिन्यूअसली ट्वीट कर रहे हैं सर, बट स्टिल सर नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर आप इस टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं सर, लाइक सीरियसली सर, स्टार्टिंग में जो कोरोना केसेज 100 to 200 आते थे तो सर आप लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था। एंड सर अभी जब कोरोना केसेज मोर देन 65,000 आ रहे हैं तो सर आप एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मजाक जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ, अपना गीत संग्रह यहां पर देकर, देखिए उनका गीत ये क्या कहता है।
मेरा गीत संग्रह भूल पाता नहीं से गीत की कुछ पंक्तियां, शीर्षक है पता नहीं क्यों। जीवन की इच्छाएं अनंत, आशाओं की बड़ी लड़ी, लक्ष्य शिखर के सम्मुख देखो बाधाएं हैं बहुत खड़ी, किंतु साहसी पुरुष कहां रुक पौरुष अपना खोता है, दिन भर जाने कितनी यादों को मेरा मन ढोता है, दिन भर कितनी यादों को मेरा मन ढोता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं निशंक जी, अगर इन विद्यार्थियों को कोरोना वायरस से वो संक्रमित हो जाते हैं, फिर आपका मन कितनी यादों को ढोएगा, आपने सोचा है? क्या आपने इस बात की परवाह की है कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी? मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूं कि खासकर बिहार जैसे राज्य में किस कदर मुश्किल पेश आने वाली है वहां के छात्रों को जो एनईईटी और जेईई की परीक्षा देने वाले हैं। मगर इस शो का मतलब, इस शो का जो उद्देश्य, जो मैं आज आपके सामने बोल के लब आजाद है पेश कर रहा हूं, वो ये कि हमारी सरकारें हमारे बच्चों की जो हित हैं, उनकी जरूरतें हैं, उन्हें लेकर किस कदर संवेदनहीन हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं अलग अलग छात्र किस तरह से अपना दर्द बयान कर रहे हैं। इनकी आवाजें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कैद हैं, वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। माय नेम इज आयुष। आजकल एक इंसान काफी चर्चा में, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन गई है। सुसाइड या मर्डर, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट जेईई और नीट की एग्जाम्स होने वाली हैं। 28 लाख बच्चे एग्जाम्स देंगे, या फिर हम कह सकते हैं 28 लाख फैमिलीज। अगर एग्जाम्स के बाद कुछ कोविड पॉजिटिव आसपास बैठने की वजह से अगर उस बच्चे को कोविड पॉजिटिव टेस्ट करने पे कोविड पॉजिटिव आता है, या उसकी फैमिली से कोई कोविड पॉजिटिव एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की वजह से आता है और उनकी डेथ या उस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मर्डर या सुसाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज, What if the students test COVID positive before the 2 to 3 days of exam? He can't attend the exam and he should stay quarantined for 14 days. The effort he put for intermediate plus one plus two will be wasted. This is the first point. And second point, how can the government sanitize in less than 24 hours? Because for every shift there is a gap of 2 hours. How can government sanitize? So we want postponement of exams. तो सुना आपने इन छात्रों की आवाज़ें? अब मैं आपको बिहार लेकर चलना चाहता हूं, बिहार के गोपालगंज। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं? गोपालगंज की पहले यह तस्वीर देखिए, आप देखिए किस तरह से बांध तोड़कर पानी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर देखिए, अपने आप में बहुत कुछ ये तस्वीर कह रही है। अब यह वीडियो देखिए, यहां पर किस तरह से बच्चे एक नाव बनाकर घुटनों से भी ऊपर छाती तक के पानी में जो है तैर रहे हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल आपके स्क्रीन पर। तथ्य नंबर एक, 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन होने वाला है। पहला सवाल मेरा यह कि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक आखिर कैसे पहुंचेंगे, और दूसरी बात, अगर वो परीक्षा केंद्र पहुंच गए और परीक्षा केंद्र के अंदर अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, यानी कि बच्चों को दूर बिठाएंगे, वो मास्क पहनकर एग्जाम देंगे, ये भी मान लिया जाए कि वो ग्लव्स पहनकर भी एग्जाम देते हैं, मगर जो बच्चे सड़क पर परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करेंगे, वहां तो वो एक झुंड में बैठने वाले हैं ना, या झुंड में खड़े होने वाले हैं, वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग कहां जाएगी? बताइए, क्या इसकी कोई जवाबदेही है? और सबसे दुख की बात यह है कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उनके डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी, उनका ध्यान इन परीक्षार्थियों के प्रति बिल्कुल नहीं जा रहा है। एचआरडी मिनिस्टर सर से मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आप ही कहते हैं कि जान है तो जहान है, सर इस कोविड की सिचुएशन में जहाँ पार्लियामेंट से लेकर के बस ट्रेन मॉल्स सब बंद हैं, इस सिचुएशन में सर हम पेपर कैसे देंगे? सर आप ही बताइए। मैं सर बिहार का रहने वाला हूँ सर, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है सर, और मैं वहाँ फ्लड में फंसा हुआ हूँ, और मैं कोरोना की वजह से यहाँ पर मेरा मोहल्ला भी सील है सर। सर आप ही बताइए कि मैं कैसे एग्जाम देने आऊँगा सर। वो नीतीश कुमार जो मार्च से अब तक खामोश चले आ रहे थे, कोई बयान किसी मुद्दे पर नहीं दे रहे थे, घर में दुबके बैठे हुए थे, अब जाकर उनका मुंह खुला है तो किस मुद्दे पर?
सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर, क्योंकि वो जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर वोटों की जबरदस्त खेती हो सकती है, मगर बाढ़ को लेकर इनकी तरफ से कोई सार्थक बयान नहीं आता है। उन विद्यार्थियों को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से आईटीज में जाने वाले छात्र, सिविल सर्विसेज में जाने वाले छात्र, एनईटी में जाने वाले छात्र जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद होती है। ये जो तस्वीरें मैंने आपको गोपालगंज की बतलाई थी वो अपने आप में काफी मायने रखती हैं, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आप देखिए किस तरह के बयानात माननीय मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी दे रहे हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले में बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत और उचित ठहराया गया है। आगे क्या बोलते हैं देखिए, कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे जबकि राज्य सरकार का मानना था कि इसका संबंध न्याय से है। मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। यानी कि माननीय नीतीश कुमार जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत पर तो टिप्पणी कर सकते हैं मगर अपने बच्चों को याद नहीं कर सकते। यही हाल डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का है। आप देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय का राजद छोड़ना केवल पारिवारिक विवाद नहीं रहा, सामाजिक मुद्दा है। जनता पूछेगी जो परिवार एक बेटी को न्याय नहीं दे सका वो बिहार की बेटियों को न्याय कैसे देगा। राजद ने दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला में भाग क्यों नहीं लिया था। बेटियों की बात कर रहे हैं ना आप, तो कृपया जो हमारे बेटी बेटियां जो हैं वो एनईटी और जेई की परीक्षा में बात कर रहे हैं सुशील मोदी जी, उनके बारे में भी अपना अपने जुबान से एक या दो शब्द कहिए। अब स्क्रीन पर देखिए उस मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं, किस पे, सुशांत सिंह राजपूत पर। इस मुद्दे पर भी वो कांग्रेस को घेर रहे हैं, जनता दल राजद को घेर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को घेर रहे हैं, मगर हमारे छात्रों के बारे में एक भी शब्द नहीं। तो कार्यक्रम में मैं आपको क्या बतला रहा हूं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, या तो वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं या फिर पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए हैं। क्या ये सवाल उठना जरूरी नहीं है? बिहार में जो सालाना बाढ़ आ रही है वो नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल रहा है, और बात यहां पर नहीं रुक रही। आपके सामने आंकड़ा है देश के 10 सबसे गंदे शहर, और क्या आप जानते हैं देश के 10 सबसे गंदे शहरों में 6 शहर बिहार के हैं। आपके स्क्रीन पर कौन से शहर, गया, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ और सहरसा। यह है बिहार के सुशासन की पोल, इस तरह से उसकी पोल खोल हो रही है। इनका ध्यान ना विद्यार्थियों की तरफ है, बाढ़ को लेकर भी हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक अब बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच रहा है। 81 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। यही नहीं, कई जगहों पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर यह खबर बतला रही है एनडीटीवी की। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन हालात के चलते जब जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हमारे विद्यार्थी, हमारे बेटी बेटियां जो हैं वो कैसे परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे? क्या यह सवाल लाजमी नहीं है? इस सवाल में गलती क्या है? इस सवाल को पूछना क्या देशद्रोह हो जाता है? क्या यह सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? मगर सवाल क्या हो रहे हैं न्यूज चैनल्स पे, चर्चा क्या हो रही है न्यूज चैनल्स पर, वो मैं आपको बतलाता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कल मैंने एक न्यूज चैनल देखा नहीं, दरअसल ट्विटर पर मैंने उस जानकारी को देखा। उस न्यूज चैनल का यह दावा था कि हमारे पास धमाकेदार खबर है, और धमाकेदार खबर क्या थी, ये दो चेहरे जो आपके स्क्रीन पर, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर गर्लफ्रेंड, और फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत। चैनल ये लगातार चला रहा था, धमाकेदार खुलासा। मैंने ये न्यूज देखी, बहुत ध्यान से देखी, और उस खबर के अंदर ना सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र था, ना किसी तरह की कोई रोमांटिक बातचीत थी, और खुद चैनल उस खबर के अंत में वो जो एंकर थी वो ये कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि महेश भट्ट जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से बात कर रहे हैं जैसे कोई वरिष्ठ, कोई बुजुर्ग जो है अपने से छोटे को नसीहत देता है।
मगर चैनल ने आपको भ्रमित करने के लिए ऊपर क्या लिखा था? धमाकेदार खुलासा। न जाने इस बातचीत में क्या धमाकेदार था, क्या सनसनीखेज था जो इन्होंने उस चीज को चलाया। और बात यहां नहीं रुकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दो लोगों के बीच हुई व्हाट्सएप की बातचीत को इस तरह से सार्वजनिक किया जाता है या किया जा सकता है? कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि राष्ट्रहित में कुछ भी किया जा सकता है। तो भैया मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ये दोनों गुनाहगार साबित हो गए हैं, और इसमें तुम्हारा राष्ट्रहित कहां से गया? क्या इस तरह से दो लोगों की बातचीत सार्वजनिक की जाती रहेगी? क्योंकि जहां तक मुझे पता होगा, ना रिया चक्रवर्ती ने इसे लीक किया होगा और ना महेश भट्ट ने। तो फिर यह बातचीत इस न्यूज चैनल के पास कैसे पहुंची? आप जानते हैं कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि अब जबकि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो आने वाले दिन में सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्यूज चैनल में जो भाषा का स्तर, खबरों का स्तर, वो बद से बदतर होता जाएगा। और क्यों होता जाएगा, उसकी एक मिसाल वो खबर तो दे ही रही है जो अभी अभी मैंने आपको बताई। यही नहीं, एक चैनल जो आज से 18 महीने पहले शुरू हुआ था, हिंदी चैनल, और उसकी शुरुआत ही एक झूठी खबर से हुई थी। वो झूठी खबर क्या थी कि सैकड़ों की तादाद में राम सेवकों को मुलायम सिंह सरकार ने मौत के घाट उतार दिया था। जबकि अदालत में विश्व हिंदू परिषद ने जो याचिका दायर की थी उस वक्त 1990-91 में, उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों का नाम नहीं लिया था, मगर इस चैनल ने भड़काऊ खबर चलाने के लिए कहा सैकड़ों। नंबर एक, इस चैनल ने उन सैकड़ों लोगों के परिवार से बात नहीं की, बस एक पॉलिटिकल पार्टी के सियासी एजेंडे को मदद करने के लिए झूठी खबर चला दी। और आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम खबर जब भी आप चलाते हैं इस तरह की भड़काऊ खबरें, तो लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। यही चैनल पिछले एक महीने से कोरोना संकट से जुड़ी खबरों को नजरअंदाज कर रहा था, चीन ने जिस तरह से हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ उसे नजरअंदाज कर रहा था, जिस तरह से बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है उसे नजरअंदाज कर रहा था। इसका पूरा फोकस सुशांत सिंह राजपूत पर भड़काऊ खबरें करना, अब यह चैनल नंबर वन हो गया है। तो इस चैनल को यह समझ आ गया है, और इस चैनल के जरिए बाकी तमाम न्यूज चैनल्स को यह बात समझ आ गई है कि भैया अगर रेटिंग लेनी है तो सुशांत सिंह राजपूत पर न सिर्फ खबर करो, बल्कि धमाकेदार, मसालेदार और झूठी खबरें जनता के मुंह पर तमाचे के तौर पर मारते रहो। क्योंकि जनता तो मूर्ख है, जनता को तो राष्ट्रवाद और धर्म का और इस तरह की झूठी खबरों का धतूरा चटाया जा चुका है। तो इस तरह की खबरें आने वाले दिनों में भी होती रहेंगी, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समाज का, इस देश की जनता का, हमारी पत्रकारिता का आने वाले दिनों में क्या की क्या हालत होने वाली है। यानी कि पहले ही न्यूज चैनल्स हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेट्स करते थे, बैंगलोर में उस वक्त वहां की राज्य सरकार पर सवाल पूछने की बजाय मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत की याद को नुकसान और ठेस पहुंचाने वाली खबरें लगातार की जा रही हैं। इन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं देखी। और अंत में एक और शख्स की बात करना चाहूंगा जो लक्ष्मण रेखा नहीं देख रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है बलिया के एसडीएम। आप देखिए, जो लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, सज्जन किस तरह से उन्हें लाठी से पीट रहे हैं। बलिया के इस एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है जहां तक मुझे बताया गया है, मगर आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि यह तस्वीर किस तरह की प्रेरणा दे रही है? क्या प्रशासन के पास अनुशासन लागू करने का यही तरीका है? और एसडीएम साहब कम से कम अपनी उम्र के बारे में तो सोचें। और आप भी जानते हैं कि आप इस तरह की दादागिरी इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपके आसपास पुलिस थी। अगर आप सही काम कर रहे होते तो आप अकेले आ जाते मैदान पर, लोगों को लाठियां मारते, और आप भी जानते हैं उसके बाद आपका क्या हाल होता। खैर, मैं आपको चुनौती नहीं दूंगा ऐसा काम करने के लिए। फिलहाल तो निलंबन का, सस्पेंशन का लुत्फ उठाइए, और कम से कम उत्तर प्रदेश प्रशासन इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने पेश ना करें, क्योंकि इससे कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है।
बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।